गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज ये जो लेसन है आपका ये 8th क्लास के लिए है। लेसन का नाम है संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में रिसोर्स के नाम से जानते हैं। संसाधन, सबसे पहले तो संसाधन की डेफिनेशन, परिभाषा। और ये जो लेसन है बच्चे, ये दोनों ही जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम है, वो दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे इसको समझ सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले है रिसोर्स, जिसको हम हिंदी में संसाधन के नाम से जानते हैं। रिसोर्स होता क्या है? नॉर्मली जिन चीज़ों का उपयोग इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसको संसाधन कहा जाता है। Those things which is used for fulfill the need of human being is also called resource। वो सारी चीज़ें जिसका प्रयोग इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, संसाधन कहलाती हैं। For example, mountain, rivers, plateau, soil, forest, ये सभी संसाधन होते हैं। इन सब का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जो संसाधन हैं वो नॉर्मली इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उसके जीवन को सरल बनाने के लिए, उसके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो संसाधन हैं ये नॉर्मली तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे सारे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिना किसी मानवीय दखल के हम उनका उपयोग करते हैं। माउंटेन है, रिवर है, प्लेट्यू है, सोइल है, इन सभी का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। अब जो प्राकृतिक संसाधन है, ये संसाधन सामान्य तौर पर हमें हमने देखा कि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो इन संसाधनों का जो प्रयोग है वो इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। उसके बाद सेकंड जो अपने संसाधन हैं वो हैं मानव निर्मित संसाधन, जिसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंसान है वो अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल दियर बेसिक नीड्स, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके वो कुछ अन्य संसाधनों का निर्माण करता है, जिनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे भाई वो मिनरल जो होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग करता है। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल जो होते हैं, उनका प्रयोग करता है टिम्बर के लिए या कुछ अन्य प्रयोग के लिए। इसी प्रकार जो पहाड़ पाए जाते हैं, लोहा पाया जाता है, खनिज तेल, मिनरल ऑयल पाया जाता है, उसका प्रयोग करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पुल हैं, ब्रिज हैं, रेलवे लाइन हैं, मशीन हैं, फैक्ट्री हैं, या आपके हाथ में जो पेन है, वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधनों का उदाहरण है। उसके बाद जो अपना तीसरा संसाधन है वो है मानव संसाधन, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। इसको जो मानवीय संसाधन है, आज इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यदि मानव की जो कुशलता है, यदि उसकी योग्यता है, उसकी स्किल्ड है, उसकी स्किल है, उसको यदि इम्प्रूव किया जाए, उसकी हेल्थ स्वास्थ्य को इम्प्रूव किया जाए, तो वो किसी भी देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो मानव भी
एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो विकसित देश हैं, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है, वहाँ मानवीय संसाधनों के, ह्यूमन जो रिसोर्स हैं, उनके डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, स्वास्थ्य के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर है, ताकि वो अपने देश के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकें। इसकी तुलना में जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उनके अविकसित होने का या कम विकासशील विकसित होने का एक कारण ये भी होता है कि नॉर्मली इन देशों का जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, विकसित नहीं होता। उनका हेल्थ की समस्याएं होती हैं, एजुकेशन प्रॉपरली बच्चों को नहीं मिल पाती, तो ये देश लेस डेवलप्ड होते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। अब जो अपना आगे जो संसाधन है, इनको कुछ अन्य आधारों के आधार पर भी, बेस पर भी इनको विभाजित किया जाता है। जैसे एक होता है सर्वव्यापक संसाधन और एक होता है स्थानीय संसाधन। जो सर्वव्यापक मींस एवरीवेयर प्रेजेंट, जो हर जगह उपलब्ध होते हैं, उनको सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। ये संसाधन आप कहीं भी धरती पे आप जाओगे, आपको मिट्टी मिलेगी, आपको पानी मिल सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, ठोस हो सकता है। तो ये संसाधन हर जगह प्राप्त होते हैं, इनको सर्वव्यापक संसाधन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो है वो होता है स्थानीय संसाधन, जिसको हम लोकल रिसोर्स कहा जाता है। इनको लोकल, लोकल मीन्स स्थानीय। ये संसाधन कुछ विशेष जो स्थान होते हैं वहीं पर पाए जाते हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं होते, हर जगह प्रजेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, जो खनिज पदार्थ होते हैं, आयरन ओर है, ये चीज़ें हर जगह उपलब्ध नहीं होती, ये कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो केरल के अंदर मोनाजाइट में जो थोरियम पाया जाता है, वो केवल केरल में ही पाया जाता है, हरियाणा में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार लद्दाख के अंदर यूरेनियम पाया जाता है, वो हर जगह नहीं पाया जाता देश में। तो ये कुछ लोकल, जिसको हम कहते हैं स्थानीय संसाधन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना है संभाव्य और वास्तविक संसाधन। संभाव्य का मतलब होता है पोटेंशियल, और वास्तविक का मतलब होता है एक्चुअल रिसोर्सेज। संभाव्य का मतलब होता है कि इनकी संभावना होती है फ्यूचर में यूज करने की, या हमारे पास इस समय प्रेजेंट में हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकी उपलब्ध न हो जिसके माध्यम से हम इनका प्रयोग कर सकें, लेकिन फ्यूचर में वी कैन यूज ये दीज रिसोर्सेज, हम इन संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं भविष्य में। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, यूरेनियम जो पाया जाता है लद्दाख के अंदर, थोरियम आल्सो फाउंड इन केरला, थोरियम पाया जाता है केरल में। वी हैव नॉट अनफ टेक्नोलॉजी टू यूज दिस रिसोर्सेज एट प्रजेंट, तो हमारे पास काफ़ी तकनीकी उपलब्ध नहीं है जिसका उपयोग वर्तमान में हम अधिक रूप में कर सकें। तो ये संसाधन थोरियम है, यूरेनियम है, ये हमारे संभाव्य पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना संसाधन है जिसको हम कहते हैं वास्तविक संसाधन, इंग्लिश में एक्चुअल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर यूज इन प्रजेंट, ये संसाधन वर्तमान में यूज किए जा रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, हमारे पास इनको प्रयोग करने की टेक्नोलॉजी तकनीकी है, तो ये संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, वर्तमान में हम पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं, नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं, या फिर जो अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल जो पाए जाते हैं, उन सभी को हम एक्चुअल रिसोर्सेज के नाम से जान सकते हैं, वास्तविक संसाधन जिनको कहा जाता है। उसके बाद है कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है।
वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, जिसको हम संरक्षण कहा जाता है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि इंसान वर्तमान में बहुत ज़्यादा वो लालची हो चुका है, वो आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, उनका प्रयोग करता जा रहा है, जिससे आने वाले समय में, फ्यूचर में, इन संसाधनों की या कमी हो सकती है या कुछ संसाधन तो हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। तो इन संसाधनों को बचाना जरूरी है, संसाधनों का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही संसाधनों का प्रयोग करना, संसाधनों को बर्बाद न करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन। इस यदि हम समय पर रिसोर्स कंजर्वेशन नहीं कर पाए तो बहुत सारे जो संसाधन हैं वो इन फ्यूचर भविष्य में हमारे लिए पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कि जंगल, फॉरेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सतत पोषणीय विकास। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि हमें संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की जो आने वाली जनरेशन पीढ़ियां हैं उनके लिए भी इन संसाधनों को, ताकि ये बचे रह सकें, तो इन संसाधनों को छोड़ना है। इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। इसमें वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी फॉरम ऑफ लाइफ, हमें जीवन के हर रूप का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में जीवन हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, एक छोटा सा कोई भी छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, हर एक चीज़ इकोलॉजी का, पारिस्थिति का पार्ट है, तो हमें जीवन के हर रूप का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो मानव जीवन है उसको और अधिक सरल और सुखमय, उसके कष्टों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमें संसाधनों का जो प्रयोग है वो कम से कम करना चाहिए, संसाधनों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इसी को संसाधन या संरक्षण, या इसको हम सतत पोषणीय विकास के साथ जोड़ सकते हैं, कहा जाता है। यदि संसाधनों को समय दिया जाए, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं यदि उनको समय दिया जाए तो संसाधन अपने आप को पुनः, उनकी पुनः पूर्ति हो सकती है, वो पुनः निर्मित हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल समय देने की आवश्यकता है। जैसे कि हम वर्तमान में हम टीवी में सुन रहे हैं कि जो गंगा नदी है उसके ऊपर जो हमारा एनुअल बजट होता है उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हर बार आवंटित किए जाते हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जो उसके पानी की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिनों के लॉकडाउन के कारण ही वर्तमान में जो अभी रिसर्च हुए हैं उनसे पता चलता है कि गंगा नदी का जो पानी है वो 40 से लेकर 50% तक वो शुद्ध हो गया है, और वो कभी काफ़ी हमें नीला दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जो यमुना नदी थी जो दिल्ली के साथ बहती है, हरियाणा और दिल्ली के बीच में एक प्रकार से, और उत्तर प्रदेश के बीच में एक बॉर्डर का निर्माण करती है, तो वर्तमान में गंगा नदी, यमुना नदी का जो पानी है वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बहुत सारी फैक्ट्रियां थी या सीवरेज नाले थे, जो सीवरेज लाइनें थी, उनका गंदा पानी इन नदियों में डाला जाता था, तो इससे ये जल प्रदूषित हो जाता था। इस प्रकार संसाधन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो संसाधनों का प्रयोग हमें बड़ी बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, ताकि वो संसाधन
केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सकें, आने वाली पीढ़ियाँ भी उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। अब नॉर्मली ये जो अपना लेसन है वो कंप्लीट होता है, और जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन आपके लिए है कि संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिसोर्स, और हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आप लिख सकते हो पहले संसाधन एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, कोई भी वो चीज़ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है इज कॉल्ड रिसोर्सेज, संसाधन कहलाती है। रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके साथ साथ आप रिसोर्स संसाधनों के उदाहरण भी दे सकते हैं। उसके बाद काइंड थे इसके प्रकार, देयर आर थ्री काइंड ऑफ रिसोर्सेज, तीन प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, मानव निर्मित ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड मानव संसाधन जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ये तीन इसके काइंड प्रकार थे। उसके बाद नॉर्मली हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको भी दो भागों में नॉर्मली बांट दिया जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिसको हम इंग्लिश में रीन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनकी पुनः पूर्ति हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम जंगल फॉरेस्ट को काट लेते हैं, लकड़ियां काट लेते हैं, और यदि हम उसको समय देते हैं तो वो कुछ समय के बाद वो जंगल पुनः निर्मित हो सकता है, वो अपने आप को क्रिएट कर सकता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन का ही एक दूसरा अनवीकरणीय संसाधन जिसको हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। कई संसाधन ऐसे होते हैं प्रकृति में जो पाए जाते हैं, या तो वो केवल एक बार यूज करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, या फिर उनकी पुनः पूर्ति में, उनको बनने में हजारों साल लगते हैं। इनको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। पेट्रोल है, कोल है, कोयला है, या फिर मिनरल हैं, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वर्तमान में पेट्रोल धरती के अंदर नहीं बन रहा, वर्तमान में भी पेट्रोल भी बन धरती के अंदर निर्मित हो रहा है, चाहे वो कोयला है वो भी बन रहा है, या फिर जो गोल्ड है, सोना है, ये सारी चीज़ें बन रही है। लेकिन इन चीज़ों की बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा धीमी है एज कंपेयर टू यूज, यदि इनके उपयोग के साथ तुलना की जाए। उसके बाद अपना सेकंड था मानव निर्मित संसाधन की ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसान है वो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, उससे वो आगे मशीनें बनाता है, पुल बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं, मानव निर्मित संसाधन। और उसके बाद अपना थर्ड था मानव संसाधन जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानते हैं। यदि मानव के अंदर उसकी स्किल्ड, उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा, इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए तो वो किसी भी देश के लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। एक अस्वस्थ, एक अनहेल्दी इलिटरेट पर्सन की तुलना में। आज आपने एक ही प्रश्न करना है, और ये प्रश्न होगा संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, और हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। ये एक ही प्रश्न आपने करना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। थैंक यू। Ну, где я? Ну, а вот я люблю.